हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच हिंदी नंबर नेम्स, मींस हिंदी की जो संख्या होती है ना, वो आज हम ये सीखेंगे. ओके चिल्ड्रेन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टार्ट. जीरो है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शून्य. क्या बोलते हैं चिल्ड्रेन? शून्य. देखो शून्य यहाँ पे लिखा है ना, आपको मैंने वर्णमाला पूरा सिखा दिया है, इसलिए मैं आपको आज नंबर सिखा रही हूँ. तो आपको ये नंबर भी सीखना है. ओके, देखो यहाँ पे इंग्लिश में नंबर दिया हुआ है और सेंटर में क्या दिया, सॉरी क्या दिया है, इसका नेम दिया हुआ है. जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ना ZERO ज़ीरो, तो यहाँ पे देखो जीरो का यह क्या है, शून्य है. वो सलजम वाला श लिखना है, उस पर उ की मात्रा देना है, न लिखना है, य लिखना है. ओके, ये आपको बेटा करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट में ये पोर्शन में आता है, यहाँ पे शून्य. ओके चिल्ड्रेन, अभी देखो मैं आपको बता रही हूँ वन. अब देखो वन है ना, तो वन इंग्लिश में वन बोलते हैं और हिंदी में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? एक. अभी देखो है ना एक, आपको इसमें स्वर में दिखा था ना एड़ी वाला ए और ये व्यंजन में कबूतर वाला क, तो ये एक हो गया है ना चिल्ड्रेन. अब देखो इसमें, देखो अभी कैसे लिखा जाता है हिंदी में एक, ये आपको लिखना है हिंदी में एक कैसे किया जाता है. अब हिंदी में एक कैसे होता है, देखो ऐसे लिखना है. अब दो, दो कैसे करना है, मैंने आपको सिखाया ना चंदा मामा, इसमें इंग्लिश में मैंने सिखाया ना चंदा मामा स्लिपिंग लाइन, लेकिन इसमें चंदा मामा स्लांट लाइन, ऐसे डाउन वाली स्लांट लाइन, ठीक है. और दो, दवात वाला द है ना, दो हो गया ना. अब देखो इंग्लिश में कैसे है, अब इंग्लिश में आपको बताती हूँ. दो आपको तो दो आता है ना इंग्लिश का, तो हम हिंदी में ही सीखते हैं, ठीक है. आपका यहाँ पे इंग्लिश में देखो ज़ीरो वन, ज़ीरो क्या दिया है, हाँ ज़ीरो वन टू थ्री फोर. अब देखो क्या दिया है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ओके चिल्ड्रेन, क्या दिया है, टेन. अभी आपका टेन तक हो गया ना, अब हम सीखते हैं हिंदी में, हिंदी में सीखते हैं टेन तक. ओके चिल्ड्रेन, अब देखो हिंदी का देखते हैं, हमारा दो तक हो गया है ना, अभी हम तीन से स्टार्ट करते हैं. ये रहा आपका तीन, देखो ये तीन है ना, ऐसे कैसे करेंगे, चंदा मामा अप डाउन हो गया आपका तीन. ओके, और ये लिखेंगे कैसे, मैंने आपको सिखाया है ना तसे तराजू, ये देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे हो गया तीन. अब देखो मैं आपको एक और दो नहीं बताई ना, वो भी बता देती हूँ. एक कैसे करेंगे, ऐसे एड़ी वाला ए निकालेंगे, ऐसे करेंगे एक और दो, दो हो गया चिल्ड्रेन. अब हम सीखेंगे चार. चार कैसे करते हैं, देखो हिंदी में कैसे चार करते हैं, ये देखो ऐसे करते हैं हिंदी और मराठी में, और एक ऐसे भी करते हैं ऐसे. तो आप छोटे हैं ना, तो आपको ये जमेगा, और नहीं तो आप कैसे, सबसे सिंपल तरीका कैसे है, ऐसे यू करने का और यू में ऐसे कर देने का सर्कल. ओके, आपका हो गया चार. अब देखो चार लिखेंगे इसे, चम्मच वाला च लिखेंगे, आपको मैंने जो सिखा दिया आपको आता भी है, और इस पर आखी मात्रा देंगे और र लिखेंगे, हो गया आपका चार. अब हम देखेंगे पाँच. पाँच कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये टफ लग रहा है ना, पाँच बहुत इजी है, जब करने बैठेंगे तो आ जाएगा आपको. देखो ऐसे, ऐसे हो गया पाँच. अब पाँच कैसे लिखेंगे, ये जो अक्षरों में लिखना है बेटा ना, ये थोड़ा टफ है, तो अक्षरों वाला आपको संभाल के लिखना है. देखो ऐसे पाँच हो गया आपका पाँच. अब हम करेंगे छः. अब छः कैसे करेंगे, छः बहुत इजी है. अब देखो
छ कैसे है, अब देखो ऐसे कैसे है, उल्टा सी अप डाउन हो गया छ। अब देखो इसको कैसे लेंगे, छतरी वाला छ लिखेंगे, ऐसे करेंगे और हल वाला ह लिखेंगे जो हथौड़ा वाला है, हो गया छ, है ना। सॉरी फिर से करती हूँ मैं आपको, छ देखो ऐसे ऐसे, ओके। अब हम करेंगे सेवन मंजे सात। अब सात कैसे करेंगे, सात भी बहुत ईजी, अगर आपको ईजिली देखो ऐसे अगर नहीं करने आए आपको तो कैसे करोगे, अब जैसे यू बनाते हो ना ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे आके ऐसे आके ऐसे कर देने का, ओके। मतलब डाउन ऐसे सीधा यू शेप में जाने का, डाउन अप टच ऐसे कर देंगे तो भी सेवन हो जाएगा। और आपको सात लिखना है अक्षरों में सात, तो कैसे सात लिखेंगे, सब्जी वाला स आकी मंत्रा तो हो गया सात, ओके चिल्ड्रेन। अब हम आठ देखेंगे, हाँ आठ देखो हिंदी में देखो आठ एक ऐसे भी किया जाता है, बनाया जाता है, और एक ऐसे किया जाता है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो एक ऐसे किया जाता है और एक ऐसे, ओके। और आठ अक्षरों में कैसे लिखा जाता है, आ वाला आम और ठप्पा वाला ठ, हो गया आठ, ओके चिल्ड्रेन। अब हम देखेंगे नौ, नौ देखेंगे, हाँ देखो एक नौ ऐसे भी बनाया जाता है हिंदी में, और दूसरा नौ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे भी किया जाता है, और एक ऐसे भी किया जाता है। मैंने आपको बताया ना ए ऐसे सर्कल करने का और ऐसे, सॉरी इसमें टेढ़ा हो जा रहा है, मैं आपको सीधा बता रही हूँ। देखो अगर आपको ऐसे आ रहा है ना, ऐसे किया ना, ऐसे मिला दिया, हो गया नौ हो गया। देखो नौ एक ऐसे भी लिखते हैं और एक ऐसे भी लिखते हैं, नौ, ओके चिल्ड्रेन। ये देखो ऐसे, उसमें थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, ऐसे भी नौ होता है, नौ ऐसे भी होता है, ओके चिल्ड्रेन। अब हम देखेंगे टेन मंजे दस, दस अब कैसे, हमने एक उधर देखा था ना, अब देखो एक हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में नाइन लिखते हैं, क्योंकि ये टेढ़ा है आप नहीं बना पाओगे, ट्राई फिर भी करना आप लोग, नहीं तो नहीं आएगा तो आप ऐसे करना, ऐसे हो जाएगा आपका, ओके हो गया। अब यहाँ पे आप जीरो बना देंगे, हो गया टेन, ओके। अब दस कैसे लिखेंगे, ये आपका हिंदी में नंबर दस हो गया, अब अक्षरों में दस कैसे करेंगे, द स दस हो गया। आज हम लोगों ने जीरो से लेकर मतलब शून्य से लेकर दस तक हिंदी का नंबर नेम सीख लिया है। तो आपको ये चिल्ड्रन कितना करना है, आपको होमवर्क में इसको कितना करना है, आपको थ्री टाइम करना है चिल्ड्रेन, ओके। कितना टाइम करना है, थ्री टाइम, ओके चिल्ड्रेन, थ्री टाइम्स आपको करना है होमवर्क, ओके। और नीट एंड टाइडी राइटिंग में करना है, ये आपको पूरा नीट एंड टाइडी राइटिंग में करना है। देखो मैंने आपको जूम करके दिखाया क्योंकि ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपको ये मैंने समझाया है ना, आप ठीक वैसे ही करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश का आप जीरो से लेकर टेन तक लिखेंगे, जीरो टू टेन, और हिंदी का भी शून्य से लेकर के दस तक लिखेंगे, और सेंटर में क्या लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, शून्य एक दो तीन चार पाँच छ सात
आठ नौ दस। ओके चिल्ड्रेन, आपका फिनिश हुआ अभी हिंदी का नंबर नेम्स यानी कि संख्या, हिंदी का संख्या फिनिश हुआ चिल्ड्रेन। अभी आपको वीडियो केयरफुली सुनना है और अच्छे से होमवर्क करना है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूले। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।